जम्मू के मशहूर जायके की बात की जाएगी तो राकेश राजमा चावल वाले का नाम जरूर आएगा। अगर आप जम्मू या यहाँ के किसी आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो राकेश जी के जायके को जरूर जानते होंगे। इनकी दुकान की प्रचलितता देखकर आज हम आए हैं इनके जायके का लुफ्त लेने। कहते हैं अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ की वादियाँ यहाँ की खूबसूरती को बयां करती है। जम्मू का इतिहास पुराने जमाने से बहुत गौरवशाली रहा है। जम्मू भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू आजादी के बाद भारत में अकेली ऐसी रियासत थी जहाँ ज्यादातर जनसंख्या तो मुस्लिम थी पर राजा हिंदू थे। यहाँ के राजा थे हरी सिंह। हरी सिंह ने 23 सितंबर 1925 को जम्मू रियासत की राजगद्दी संभाली और यहाँ के लिए अलग अलग सामाजिक कार्य किए और देखते ही देखते ये जगह टूरिस्ट प्लेस में तब्दील हो गई। उसी जम्मू शहर के प्रेम नगर में पिछले कुछ सालों से स्थित है ये राकेश जी राजमा चावल वाले। आज हम आए हैं राकेश जी राजमा चावल का लुफ्त लेने। जैसे ही हम राकेश राजमा चावल वालों के यहाँ पहुँचे, यहाँ की भीड़ देखकर ही पता लग रहा था ये राजमा चावल कितने ज्यादा मशहूर है। इनके राजमा चावल के दीवाने लोग कतार में खड़े होकर इनके राजमा चावल का इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे लोगों के बीच हम भी शामिल थे। करीब एक घंटे इंतजार करने के बाद राजमा चावल बनकर तैयार हो चुके थे। अब इतनी देर इंतजार करने के बाद मैं भी राकेश जी के राजमा चावल का जायका लेने के लिए बेचैन था। फिर मैंने भी राजमा चावल के जायके से मशहूर राकेश जी से एक प्लेट राजमा चावल लगाने की डिमांड की। ये बोतल आगे भैया, ठीक है। ये चावल आगे गर्मा गर्म, इसे बोलते हैं बाइक चावल। इसे आगे राजमा गर्मा गर्म, देखो ठीक है। और भैया जो इसके अंदर ये सिर्फ सोयाबीन होती है, न्यूट्री पीस होता है। ये देखो चाय साहब अपनी दो पीस डाल सकते हो। ये सर बूंदी का मिर्ची का मसाला आ गया सर, बूंदी मिर्ची का मसाला, ठीक है। हाँ ठीक है सर। ये आ गया सर पनीर। भैया कितने ग्राम का पीस होता है ये? सर एक तोला नहीं बड़े भैया। अच्छा मतलब एक अंदाजे से पीस काट के लाते हो। ये प्याज आ गया, ये बड़े भैया आपकी चम्मच आ गया, ये राजनाथ ने चटनी आ गई, अनारदाने की चटनी, मसाला आ गया। भैया क्या कॉस्ट है इसकी? सिर्फ पाँच थोड़े से पैसे हैं, 60 रुपए ही। सिर्फ 60 रुपए? सिर्फ 60 रुपए। और भैया कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हो आप यहाँ? सर मैं 10 बजे लगाता हूँ और 3 बजे क्लोज हो जाता है हमारा। 3 बजे क्लोज हो जाता है। उसके बाद लगाते हैं चाप और कड़ी कुलचा इसी रेडी पे। ओके। एक घंटा इंतजार करने के बाद आखिर ये हरे रंग के पत्ते में लगे राजमा चावल मिलने पर मुझे एक अलग सी खुशी का एहसास हुआ। इनके राजमा चावल देखने में खूबसूरत एक बड़े पनीर के टुकड़े के साथ ढके हुए थे। अब इतने मशहूर राजमा चावल चखने का समय आ चुका था। पनीर का पीस बिल्कुल एकदम फ्राई हुआ है और मेरा मानना है करीब करीब इस पनीर में वेट होगा 50-60 ग्राम कम से कम। इनका जायका मेरी उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एकदम हल्का मसाला और ये राजमा चावल घर बने राजमा चावल के सामने एकदम फीके थे। ये राजमा चावल चखने के बाद मेरे मन में ये सवाल आया कि यहाँ जमी ये भीड़ इस फीके जायके के लिए कैसे इंतजार कर सकती है। इस जायके को चखने के बाद अगर मैं एक बात कहूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगी कि ऊंची दुकान और फीके पकवान और यहाँ आ रहे लोगों से अलग जितने भी फूड ब्लॉगर इस घटिया स्वाद को छुपाकर इसे बढ़िया बता रहे हैं, तो उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप फूड ब्लॉगिंग छोड़कर कुछ और काम कर लो। लोगों को गलत सलाह देकर गलत जगह मत भेजिए, इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको रूबरू कराते रहेंगे जगह जगह के छुपे हुए जबरदस्त जायकों से।